हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल में, और मैं हूं आपका दोस्त मेहताब आलम। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि खोए हुए फोन या चोरी हुए फोन को वापस कैसे पाएं, IMEI नंबर क्या होता है, और फोन खो जाने या चोरी हो जाने पर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करनी चाहिए या नहीं। तो आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपका फोन खो गया है या चोरी हो गया है तो आप घबराए नहीं, क्योंकि आपका फोन आपको वापस जरूर मिलेगा, और इसमें मैं आपकी मदद करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो बिना वक्त जाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपका फोन खो गया है या चोरी हो गया है तो डायरेक्टली आप पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत दर्ज ना करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका फोन आपके बेडरूम में ही किसी कोने में पड़ा हो, या आप अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को फोन दे दिए हो, या फिर आप किसी ऐसी जगह पर फोन रख दिए हो जहाँ पर ठीक से नेटवर्क ना मिल रहा हो। तो ऐसे में आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन था जो कि गुम गया है, उसमें जो ईमेल आईडी लॉग्ड इन था, वही ईमेल आईडी और पासवर्ड के जरिए यानी गूगल अकाउंट के जरिए आप किसी लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर किसी दूसरे स्मार्टफोन से पता लगा सकते हैं। पता लगाने के लिए सबसे पहले आप गूगल ओपन करें। गूगल ओपन करने के बाद गूगल के सर्च बार में टाइप करें एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर या फिर फाइंड माई फोन। ये टाइप करने के बाद सर्च करें, उसके बाद यहाँ क्लिक करें। फिर आपसे आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। ध्यान रहे, यहाँ पर वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालें जो आपके पहले वाले फोन में थे, जो गुम गए हो या चोरी हो गए हो। खैर, यहाँ पर हम लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको लोकेशन दिखेगी और यहाँ पर प्ले साउंड का ऑप्शन मिल रहा है। आप चाहे तो प्ले साउंड पर क्लिक करके रिंग कर सकते हैं, और मजे की बात यह है कि अगर आपका फोन साइलेंट रहेगा फिर भी आप रिंग कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम अपने फोन को साइलेंट कर लेते हैं, उसके बाद रिंग करके देखते हैं कि रिंग होता भी है या नहीं। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने प्ले साउंड पर क्लिक किया तो रिंग होने लगा। आपको बता दें कि जब तक हम स्क्रीन पर टच नहीं करेंगे तब तक 5 मिनट तक लगातार बजता ही रहेगा। आप चाहे तो यहाँ क्लिक करके डिवाइस की इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, जैसे IMEI नंबर वगैरह। और दूसरी चीज है यहाँ पर सिक्योर डिवाइस। अगर आपका फोन लॉक नहीं है, पिन, पैटर्न, पासवर्ड कुछ भी नहीं लगा है, और आपको डर है कि कहीं मेरा फोन कोई गलत इस्तेमाल न कर ले, तो आप यहाँ से अपने फोन को लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के लिए आप यहाँ क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पर क्या शो हो रहा है, रिकवरी मैसेज और फोन नंबर। रिकवरी मैसेज में आप ये लिख सकते हैं, भाई मेरा फोन आपके पास है सो प्लीज मुझे दे दीजिए। अगर वो व्यक्ति ईमानदार होगा तो आपका फोन लौटा ही देगा। और यहाँ पर अपना फोन नंबर मेंशन करके सिक्योर डिवाइस कर दे, फिर आपका फोन लॉक्ड हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है इरेज डेटा। अगर आपको लगता है कि अब आपका फोन नहीं मिलने वाला है, लेकिन उसमें आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंस डेटा है, जैसे पर्सनल फोटोज, वीडियोस, कॉन्टैक्ट्स, व्हाट्सएप चैट्स वगैरह, तो आप यहां पर इरेज डिवाइस पर क्लिक करके पूरे डेटा को वाइप कर सकते हैं, यानी पूरे डेटा को खत्म कर सकते हैं। लेकिन फिर आप अपने फोन को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर हम बात करें आईफोन की, तो आईफोन का भी सेम प्रोसेस है। इसके लिए आपको एप्पल के आईक्लाउड में जाना होगा, फिर आपको सारे प्रोसेस करने होंगे। अगर आपके फोन में नेटवर्क आ रहा है तो डायरेक्टली आप अपने फोन को लोकेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं IMEI नंबर के बारे में कि IMEI नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। IMEI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये एक यूनिक नंबर होता है जो कि 15 डिजिट का होता है। अगर आपके फोन में 2 सिम कार्ड लगते हैं तो आप यूँ समझिए कि आपके फोन में 2 IMEI नंबर है, और यही IMEI नंबर के जरिए पुलिस फोन को ट्रैक करती है और चोर को पकड़ लेती है। अगर आप अपने फोन का IMEI नंबर पता करना चाहते हैं तो आपके फोन के बॉक्स पे या आपके फोन के बिल में या फिर आप डायलर में जाके *#06# डायल करेंगे तो आपको IMEI नंबर पता चल जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरी मेथड की, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस मेथड से 95% चांसेस है कि आपका फोन मिल जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है जिसकी मदद से आप चोरी हुए फोन को ब्लॉक कर सकते हैं और उसका पता भी लगा सकते हैं। आपको बता दें कि इस पोर्टल के जरिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे चोर आपके चोरी किए हुए फोन को बेच भी नहीं सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि चोर आपके फोन को खुद आपके पास आके लौटा दे, या फिर चोर फोन चोरी करना ही छोड़ दे। अब आप सोचेंगे कि ऐसा हो सकता है क्या? क्या सच में चोर चोरी करना छोड़ सकता है क्या?
तो जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि चोरी किए हुए फोन से अब चोर का बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने एक डेटाबेस तैयार किया है जिसका नाम है CEIR, यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। इस डेटाबेस में हर मोबाइल फोन की IMEI नंबर दर्ज है। अगर आपका फोन गुम जाता है या चोरी हो जाता है तो आप सिर्फ CEIR की पोर्टल पर जाकर कंप्लेन करें। जैसे ही आपकी कंप्लेन वेरीफाई होगी, आपके खोए हुए मोबाइल फोन को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद वो किसी भी नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करेगा। इस पोर्टल का ये भी फायदा है कि अगर आप सेकेंड हैंड फोन खरीदते हैं, कोई पुराना फोन खरीदते हैं, तो आपके मन में ये डर लगा रहता है कि कहीं ये फोन चोरी का तो नहीं है। ऐसे में आप CEIR की पोर्टल पर जाकर ये चेक कर सकते हैं कि कहीं ये फोन ब्लैकलिस्टेड तो नहीं है। अगर वो फोन ब्लैकलिस्टेड है, उसका IMEI नंबर डुप्लीकेट है, तो वो फोन हरगिज ना खरीदें। आपको बता दें कि इस पोर्टल से आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप अपने खोए हुए फोन या चोरी हुए फोन की कंप्लेंट कैसे करें। इसके लिए आपको CEIR की पोर्टल पर जाना होगा। URL एड्रेस में टाइप करें CEIR.gov.in। उसके बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, ब्लॉक स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल, अनब्लॉक फाउंड मोबाइल और चेक रिक्वेस्ट स्टेटस। अगर आपको अपना फोन ब्लॉक करना है तो ब्लॉक स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल पर क्लिक करें। उसके बाद आपसे आपकी फोन की कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे मोबाइल नंबर और IMEI नंबर वगैरह। अगर आपके फोन में दो सिम कार्ड लगते हैं तो दो IMEI नंबर डालें। उसके बाद फोन किस ब्रांड का है, लाइक ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, जिस ब्रांड का है वो डालें और मॉडल नंबर भी। और साथ ही फोन की इनवॉइस यानी बिल की कॉपी भी आपको अपलोड करनी होगी। आपको ये भी मेंशन करना होगा कि फोन कहां और कब चोरी हुआ, किस डेट को हुआ। इतना ही नहीं, किस स्टेट और किस डिस्ट्रिक्ट में चोरी हुआ और उस एरिया का पुलिस स्टेशन कौन सा है। दोस्तों, अगर आपका फोन गुम जाए या चोरी हो जाए और आपको लगे कि वो फोन अब आपको नहीं मिलने वाला है, तो आप पुलिस स्टेशन में जाके FIR दर्ज करें। फिर पुलिस आपको FIR की कॉपी देगी, फिर वो कॉपी यहाँ अपलोड करें। उसके बाद इस फॉर्म में अपना नाम, आइडेंटिटी, एड्रेस और मोबाइल नंबर डालकर इसको कंफर्म करें। उसके बाद आगे का काम सरकार खुद करेगी। अगर आपका फोन मिल जाता है तो आपको इसी पोर्टल पर जाकर आप अपने फोन को अनब्लॉक कर सकते हैं। तो ये याद रखें कि जब आपको लगे कि अब आपका फोन नहीं मिलने वाला है, तो सबसे पहले आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके FIR दर्ज करें और फिर इस पोर्टल पर जाकर चोरी हुए फोन की कंप्लेन करें। 95% चांसेस है कि आपको अपना फोन मिल जाएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट जाने का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, तो हमारे इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, जो भी जान पहचान के लोग हैं, उन्हें यह शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।